बड़वानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैकलॉग भर्ती वर्ष 2003 से नहीं हुई। मध्य प्रदेश में एससी एसटी के 108,000 बैकलॉग पद रिक्त है और पिछली सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में इन पदों पर भर्ती नहीं की। वर्तमान सरकार ने भी अपने वचन पत्र में वादा किया था कि बैकलॉग पद में एसटी एससी की भर्ती होगी, पर सरकार बने 9 माह हो गए, इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया और बेरोजगारी भत्ता भी अब तक नहीं दिया। समान शिक्षा समान वेतन और शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए छात्र संघ ने पुराने कलेक्टोरेट में धरना दिया और नायब तहसीलदार को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रकाश बंडोर, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी छात्र संगठन। इस संबंध में ज्ञापन दिया आज? हम लोग बैकलॉग भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करें और महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से जी के नाम ज्ञापन लेकर मांग कर रहे कि हमारी जो जायज मांगे है उसको पूरा किया जाए। हम लोग जो बैकलॉग भर्ती विगत 15 सालों से यानी 2003 से आज तक बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं की गई है। इस समय अवधि में 108,000 बैकलॉग के पद रिक्त हैं। इसको भरने के लिए हम लोग विगत 3-4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी शासन में भी हमने संघर्ष किया लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस जो शासन है, विधानसभा चुनाव 2018 में अपने वचन पत्र की कंडिका 37.48 में वचन दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो हम बैकलॉग पदों की भर्ती करेंगे और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। लेकिन आज सरकार को 10 माह से भी ऊपर समय हो गया है, ना तो सरकार बैकलॉग पदों की भर्ती करने की बात कर रही है, ना बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। दूसरा, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की हम नहीं बोल रहे ये बात, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। विगत दिनों में नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 15 नंबर पर पिछड़ा हुआ है। तो इस देश में जब समानता का कानून लागू है, जब मोदी सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन टैक्स लागू करके GST लागू किया उन्होंने पूरे देश में, तो क्या इस देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं कर सकते? जैसा कि अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे बैठकर एक जैसी शिक्षा ग्रहण करें और वह शिक्षा KG से PG तक सभी वर्गों के लिए निःशुल्क होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर हम लोग पिछले 26 सितंबर से पूरे प्रदेश में यात्रा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।